नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे अगले आधे घंटे तक न्यूज रूम से तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी से करेंगे, बड़ी अपडेट सोनीपत से, जहां पर सरपंचों की ओर से बैठक जो है की गई है। ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों ने बैठक की है, ये जानकारी आप तक हम पहुंचा दें जो ये सामने आ रही है। इस बीच सोनीपत से अपडेट है, जिला स्तरीय बैठक में कई फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। 3 अप्रैल को जंतर मंतर पर प्रदर्शन का फैसला लिया गया। जिस तरीके से सरपंच लगातार हरियाणा सरकार से नाराज चल रहे हैं और अपनी नाराजगी यहां पर एक बार फिर से सरपंचों ने जाहिर की है। गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन के तहत बैठक की गई है सरपंचों के द्वारा, अलग अलग जिलों में बैठक कर समर्थन जुटा रहे हैं सरपंच। तो सरपंचों की ओर से विरोध जो है वो अभी भी थमा नहीं है, लगातार सरपंच विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच एक बार फिर से सरपंचों की ओर से बैठक की गई है और ये अपडेट आप तक पहुंचा दें, जिला स्तरीय बैठक में कई फैसले भी सरपंचों की ओर से लिए गए हैं, ये जानकारी सोनीपत से आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से सरकार ने भी सरपंच प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी और लगातार सीएम मनोहर लाल ने भी सरपंच प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उन्हें समझाने का प्रयास किया था और ई टेंडरिंग प्रणाली के बारे में उन्हें बताया था कि किस तरीके से ई टेंडरिंग व्यवस्था बेहतर है, किस तरीके से कार्य में पारदर्शिता आएगी, किस तरीके से जो गांव के विकास के कार्य हैं उनमें पारदर्शिता आएगी और साथ ही साथ विकास के कामों में भी गति देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद किसान सरपंच जो है वो लगातार विरोध कर रहे हैं ई टेंडरिंग प्रणाली का और लगातार सरपंचों का कहना है कि जो उनकी पावर्स है वो छिन जाएंगी ई टेंडरिंग प्रणाली की वजह से। और वहीं दूसरी ओर लगातार सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं सरपंचों को, लेकिन इस बीच सरपंचों की ओर से बैठक की गई है। ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों ने बैठक की है, जिला स्तरीय बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। बिल्कुल, चंद्र मंत्र पर सरकार की जो है ना आखिरी कील ठोकनी है और आगामी जो लोकसभा चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, इसमें सारे सरपंच साथी के साथ साथ जो ग्रामीण भी है इस सरकार को करारा जवाब देगी और इनको बाहर बिठाना काम करेगी, क्योंकि ये जितने भी जो निर्णय ले रही है जन विरोधी निर्णय ले रही है। अब देखो छोटी सरकार जो चुन के आई थी उसको भी इन्होंने नहीं बख्शा, उनको भी बंद नया काम दे रहा और इसका हम करारा जवाब इनको देंगे। ये जिला स्तरीय मीटिंग थी आज, हम लोगों ने जो आंदोलन चलाया हुआ है गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन, उसी विषय में हर जिले में मीटिंगें करने लगे हुए, अपने साथियों से विचार विमर्श कर रहे हैं वे अपने आंदोलन कैसे तेज किया जाए। हम लोगों की 5 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी पानीपत के इसराना में, तो वहां फैसला लिया था, एक तो 3 तारीख को हरियाणा सरकार के खिलाफ हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को जगाया जा सके कि हरियाणा सरकार पंचायती राज एक्ट को खत्म करने पर तुली हुई है। दूसरा, हर गाँव के बाहर हम लोग बैनर लगाने लग रहे हैं, जब तक पंचायती राज एक्ट पूर्ण रूप से लागू नहीं करती सरकार तब तक बीजेपी व जेजेपी के नेताओं का गांव में आने पर बहिष्कार किया जाएगा और मुख्यमंत्री मंत्री सांसद कोई भी विधायक जहां भी इन लोगों के प्रोग्राम होंगे तो हम लोग इनका विरोध करेंगे और प्रदर्शन इनके खिलाफ। इस बीच हमारे सहयोगी राम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं खबर पर अधिक जानकारियों के साथ, सीधे उनका रुख करेंगे। राम, जानकारी आप यहां पर लेना चाहेंगे, सरपंचों की ओर से क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? देखिए, आज जो है सोनीपत में एक जिला स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ है जिसमें प्रदेश के जो प्रधान हैं सरपंच एसोसिएशन के, तो वो यहाँ पर पहुंचे थे और इस प्रकार की बैठक जो है प्रत्येक जिला स्तर पे जो है लगातार आयोजित हो रही है, क्योंकि खास रणनीति जो है 3 अप्रैल को लेकर बनाई जा रही है, क्योंकि हरियाणा सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर सरपंच जो है एकत्रित होंगे और इसमें जो है न केवल सरपंच बल्कि पंच और ग्रामीणों को भी जो है इसमें साथ लिया जाएगा। खासतौर पर जो है ऐलान ये किया गया है कि ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक गाँव के एंट्री पॉइंट पर जो है फ्लैक्स बोर्ड जो है वो लगाए जाएंगे, जिसमें सीधे तौर पर लिखा होगा कि सत्ताधारी जो नेता है या जो मंत्री है उनका गांव में आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और उनका बहिष्कार जो है वो किया जाएगा। तो इस प्रकार से ई टेंडरिंग को लेकर अब सरपंचों ने एक बड़ी रणनीति जो है वो बनाई है और 3 अप्रैल को जो है पूरे हरियाणा भर के सरपंच एकत्रित होकर सरपंच पंच और ग्रामीणों का साथ लेकर जो है जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में पहुंचने का ऐलान किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल राम, जाहिर तौर पर सरपंचों के अंदर नाराजगी जो है वो अभी भी लगातार देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए भी।